असलम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आपसे मैं आज चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और बाकी जितने रिमेनिंग चैप्टर हैं उससे रिलेटेड मैं आपसे चीज़ें डिस्कस करूँगी। चले आए, देखते हैं चैप्टर नंबर 7। अमंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान रैंक, दुनिया की जितनी भी आबादी वाले ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान कौन से रैंक में आता है? आपके पास छठे नंबर पर आता है। अकॉर्डिंग टू द 1998 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़, 1998 सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 10 मिलियन थी, 1 करोड़ थी। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज एसोसिएटेड विद, पाकिस्तान की ज़्यादातर पॉपुलेशन किससे रिलेट करती है? एग्रीकल्चर से रिलेट करती है। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ द पाकिस्तान, हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन, ये 1998 का सेंसस का है। द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशन इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के पास जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो आपके पास इंडस्ट्रीज़ है। द नंबर ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन पाकिस्तान इज 10, 10 है आपके पास। द फर्स्ट सेंसस इन साउथ एशिया टू प्लेस इन, अंग्रेज़ों के दौर में पहली दफ़ा जो सेंसस कराया गया था वो 1872 में कराया गया था। इन पाकिस्तान द एवरेज पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इस, पर स्क्वायर किलोमीटर की बात की जाए तो पाकिस्तान में पॉपुलेशन कितनी 166 आती है। अगर एक बॉक्स बना दिया जाए स्क्वायर बॉक्स 1 किलोमीटर का तो 166 लोग रहते हैं। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान द फर्स्ट सेंसस वॉज टेकन प्लेस इन -AD। पाकिस्तान में जब पहला सेंसस कराया गया तो वो 1951 में करवाया गया। द फीमेल लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसस, 1998 सेंसस के मुताबिक लिटरेसी रेट जो था वो 36% था। चैप्टर नंबर 8 की बात कर लेते हैं। द अजरक इज़ अ वेरी फेमस इन अवर कंट्री, सिंध का कल्चरल वो आपके पास ड्रेस है अजरक। वारिस शाह एंड मियाँ मोहम्मद बख्श वर द सूफी पोएट्स ऑफ द लैंग्वेज पंजाबी। सिंधी लैंग्वेज इज रिटन इन द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अरबिक, ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। रहमान बाबा एंड खुशहाल खान खटक वर द फेमस पोएट ऑफ द लैंग्वेज पश्तो। द नेम ऑफ द प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा वॉज NWFP, ये दो दफ़ा आ चुका है। द हज़रत सुल्तान बाहू एंड हज़रत भुले शाह वॉज द फेमस पोएट ऑफ दिस लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज है। द शराइन ऑफ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी इज़ इन कराची। द हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई वॉज द फेमस पोएट ऑफ लैंग्वेज, सिंधी आपके पास है। द प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान इज़ नोन एज बाबुल इस्लाम, कौन सा प्रोविंस है पाकिस्तान का जहाँ सबसे पहले इस्लाम एंटर हुआ, दैट इज़ सिंध। सच्चा सरमत वॉज अ सूफी पोएट ऑफ द प्रोविंस सिंध। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द साउथ एशिया इज सिंध। एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी हैज़ बीन इस्टेब्लिश फॉर द प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज इन द ईयर 1990। ईद उल अज़हा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ ज़िलहज। इन पाकिस्तान मोर देन दीज लैंग्वेजेज आर स्पोकन, 30 लैंग्वेजेज आर स्पोकन। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ शावाल। चैप्टर नंबर 9 की बात कर लेते हैं। एज यू कैन सी, बाकी आप रिमेनिंग चैप्टर्स को देख रहे हैं। इन पाकिस्तान द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द ईयर 1947 में ही आपके पास हुई थी। द सिंध इन सिंध द ऑर्गनाइजेशन ऑफ 1948 में थी। इन द सिंध दिस ऑर्गनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द डैश, इन सिंध दिस ऑर्गनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक एजुकेशन फाउंडेशन सिंध टेक्स्ट बुक। कौन है आपके पास सिंध में जो है किताबों को डेवलप करने के लिए? सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है आपके पास। द एजुकेशन प्रोवाइडेड इन द क्लास 9 एंड मैट्रिक इज कॉल्ड सेकेंडरी लेवल है आपके पास। द करिकुलम डेवलपमेंट अबव द हायर सेकेंडरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश, करिकुलम डेवलपमेंट जो है आपके पास सेकेंडरी इंटर की क्लास के बाद वो किसका आपका वो बनता है? वो हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद का काम है। चैप्टर नंबर 10 के कोई खास नहीं है। चैप्टर नंबर 11 का इसमें एक ही था आपके पास 2019 में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन रूलर ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये टोटल आप लोगों के सारे MCQs हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह ताला अगर मैं इसे दोबारा अपडेट करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।